आप देख सकते हो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का काम अभी हो रहा है। राकेश भाई इज रेडी विद हिज टूल किट। सो गाड़ी को जो है हम लोगों ने बहुत अच्छा साफ सफाई किया था, लेकिन वापस ये आ गए अपने खराब कंडीशन पे, बिकॉज बारिश की वजह से क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा है कि ऐसे एक साइड वाले पैनल आता है जो कि यहाँ पे फिट करना है, बॉक्स लगाने के लिए आपको ये मैंडेटरी है, ये चाहिए। ओके, बात ये है कि मैं जो है IBW जा रहा हूँ, तो अगर इनकेस आप लोग IBW ज्वाइन कर रहे हो तो डेफिनेटली मिलते हैं। सो हियर इज अ टायर इन्फ्लेटर फ्रॉम grandpitstop.com। सो इनकेस अगर आप लोगों को एक टायर इन्फ्लेटर चाहिए, मतलब ये हवा बनने वाली चीज़ है, सो इलेक्ट्रिक से चलता है। सो टायर इन्फ्लेटर्स बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसमें दो फीचर्स है, खास करके आप अगर यहाँ देखोगे। सो यहाँ आप देखो, जनरली जो टायर इन्फ्लेक्टर्स जो इलेक्ट्रिक वाला आता है उसमें क्या होता है ना, आपको ये प्लग जो है, जो सिगरेट चार्जर की जो प्लग रहता है, उसको आप कार के वो सॉकेट पर डालते हो, एंड डालने के बाद फिर मोटर चलता है और फिर हवा भरता है। लेकिन बाइक्स में मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा भी होता है कि आपकी जो है बाइक में वो वाला पोर्ट नहीं रहता है, आई मीन जो सिगरेट चार्जर चार्ज करने के लिए, जो क्या बोलते हैं उसको, एक्चुअली सिगरेट चार्जर पोर्ट ही बोलते होंगे, तो वो नहीं रहता है। और उसकी वजह से जो है इसमें एक अलग सा प्रोविज़न है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि आप जो है इसको अपनी बैटरी में डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। ये मोटर उससे भी चालू हो जाएगा जिससे आप आपके बाइक में जो है हवा भर सकते हो। ये है और ये केबल और ये दूसरा केबल। चलो अच्छी चीज़ है, अब ये कैसा हवा भरता है वो मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो में। ये वाली पंप खरीदना है तो इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दूंगा, तो आप डायरेक्टली जाके क्लिक करके खरीद सकते हो। अगर कोई मेरे पास कूपन कोड होगा जिससे आपको थोड़ी सी डिस्काउंट मिल जाएगा, वो होगा तो फिर शेयर कर लूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग जो है राइड कर रहे हैं IBW के लिए। सो इंडिया बाइक वीक जो गोवा में हो रहा है, तो बैंगलोर से लेके गोवा तक हम लोग राइड करेंगे। एंड इस बार जो है मैं पिक कर रहा हूँ अपना कावासाकी वर्सेस 650। एंड आपको बता दूं कि मेरी बाइक में जो है बहुत सारे मेजर चेंजेस होने वाला है। इसकी जो नेक्स्ट वाली वीडियो है इसमें मैं आपको बता दूंगा कि फाइनली बाइक जो है कैसा दिख रहा है, एंड इसमें हम लोगों ने क्या क्या इंस्टॉल किया है। सो वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो पे आ जाएगा। वेल अभी मैं बता दूं कि फिलहाल प्लान ये है कि मैं और 3-4 दोस्त और मेरी वाइफ विल बी जॉइनिंग मी एज अ पिलियन। यहाँ से करीब 5 बजे थर्सडे को, विच इज ऑन 5th, वी आर राइडिंग फ्रॉम हियर। गोवा मेरे ख्याल से पहुँचते शायद शाम हो जाए, बस वही है प्लान। पुलक इज ऑल्सो देयर विथ मी। ये ट्रिप के लिए मैं क्या क्या कैरी कर रहा हूँ, तो बेसिक सामान, मतलब आप सोच लो कि 3 दिन के लिए जो भी कपड़े वपड़े चाहिए वही सब चीज़ें ले रहा हूँ, फिर टूल्स कुछ कैरी कर रहा हूँ। एंड दूसरी जो सबसे इंटरेस्टिंग सी बैग मेरे पास है, वो आप लोगों को डेफिनेटली देखना चाहिए। दूसरी चीज जो है मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों ने मेरा जो है नया बैग देखे, कार्बोनाडो की नया बैग है जो मुझे आया हुआ है। एंड इसकी पैटर्न आप देख सकते हो कि मस्त दिख रहा है, अलग टाइप की है। पहले भी मेरे पास कार्बोनाडो की बैग होता था, तो आप लोगों ने देखा होगा वो वीडियो। इनकेस आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक मिनट में मैं आपको दिखा दूंगा कि ये बैग की स्पेशलिटी क्या है, इसमें क्या क्या फीचर। इसमें एक हार्ड केस रहता है, तो क्या होता है ना, अगर आप इसमें कैमरा रखते हो, अपने लैपटॉप रखते हो या कोई भी डेलिकेट सी सामान रखते हो, तो उसमें क्या होता है ना, ये प्रोटेक्ट करता है। इनकेस अगर बैग गिर जाता है, हार्ड केस आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। यहाँ पे जो है आपको कुछ USB सॉकेट्स ऐसा दिख रहा है, देखिए। एंड ये सारी के सारी चीज़ जो है साइड पॉकेट से भी आप एक्सेस कर सकते हो, तो पावर बैंक जो है यहाँ आ जाएगा। एंड ये केबल्स जो है पावर बैंक के अंदर आपको फिट करना है, एंड उससे ये आउटपुट आ जाता है। और अगर हम लोग राइट साइड में आते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये है। सो इसके अंदर जो है एक फॉइल वाला पॉकेट है जिसमें आप कोल्ड या हॉट ड्रिंक कुछ रख सकते हो, मतलब बॉटल में अगर आप कुछ रखते हो तो 3-4 घंटे तक जो है कोल्ड रहता है। ऊपर और एक ऐसी कवर है, पॉकेट है। इसके अंदर जो है एक हार्ड शेल है अंदर, तो जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, इसमें आपकी गॉगल्स ऐसा कुछ डेलिकेट सामान यहाँ पे रख सकते हो। और ये बैक सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहता है, ये भी स्पॉन्जी है। इसमें एक और फीचर है जो कि कोई भी बैग में, कोई भी बैकपैक में अभी तक आया नहीं है। सो इसमें बहुत छोटे छोटे स्ट्रैप्स है, जैसे यहाँ पे एक छोटा हो गया, यहाँ पे भी है और यहाँ भी है। कि मान लो आप इसको जो है आपकी पिलियन सीट पे आप माउंट करना चाहते हो, तो बैग को ऐसे ही पिलियन सीट पे रख दीजिए, एंड ये स्ट्रैप के अंदर से जो है बंजी कॉर्ड लेके आप इसको टाई कर सकते हो। सो ये बहुत बड़ी एडवांटेज है। सो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट होल्डर भी है, तो इसमें आप कुछ डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो। नीचे की साइड पे एक जिप मिलता है जिसके अंदर आपकी रेन प्रूफ वाली कवर है। आप देख सकते हो कि ये जो जिप की पैटर्न है इसमें जो है गैप्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए, थोड़ा फोकस करता हूँ, ये
अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक्चुअली पानी नहीं जाएगा, तो इसकी जिप थोड़ी सी डिफरेंट है। छोटा मोटा थोड़ा बहुत अगर बारिश होता है तो पानी नहीं जाता है, अगर ज़्यादा बारिश होता है फिर आप वो रेन कवर यूज़ कर सकते हो। बैग जो ऐसे कुछ खुलता है, सो ऐसे खुलता है, एंड इसके अंदर भी बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं। सो पहला जो कंपार्टमेंट, और अगर आप देखोगे खास करके ये बैग थोड़ी सी प्रीमियम है, तो जिसकी वजह से इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो भी बहुत प्रीमियम है। सो फॉर एग्जांपल पहले आपको आता है ये बड़ा वाला पॉकेट यहाँ पे, इसके अंदर आपकी बड़ा सा लैपटॉप आ जाएगा, 13 इंच की लैपटॉप आ जाएगा, मेरे ख्याल से जो 14-15 इंच की लैपटॉप है वो भी इसमें आराम से आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड एक कंपार्टमेंट है आपकी आईपैड्स हो गया, टैब हो गया, या फिर कोई नोटबुक्स या कुछ रखा है तो इसमें रख सकते हो, जिसमें आप कुछ स्टफ इसके अंदर रख सकते हो। यहाँ पे एक जिप है, इसके अंदर भी सामान रख सकते हो। इसमें यहाँ पे और दो पॉकेट्स है, यहाँ पे भी एक बड़ा सा ऐसे पॉकेट है जिसके अंदर आप कुछ सामान रख सकते हो। अगेन दो छोटे छोटे मेस वाले एरिया भी है, वहाँ पे भी आप सामान रख सकते हो। ऑफ दैट कार्बोनाडो के पास जो है कुछ एक्सेसरीज है, फॉर एग्जांपल आप अगर जैसे हाइड्रेशन पैक आपका हो गया जिसमें आप पानी रखोगे और फिर वो पाइप आता है ना पानी पीने के लिए, सो आप हाइड्रेशन पैक को इसके अंदर रख सकते हो, एंड देन उसकी पाइप जो है इसके अंदर से जाके बाहर से आएगा तो आप एक्सेस कर सकते हो और पानी पी सकते हो। मटेरियल आप देखोगे जो साइड की मटेरियल बहुत थिक है, एक्चुअली मोटा है, तो जिसकी वजह से इसकी क्वालिटी बहुत अच्छा है। सो अगर आपको ये बैग खरीदना है तो डेफिनेटली लिंक छोड़ दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन पे, आप डायरेक्टली जाके वहां से परचेस कर सकते हो। और मान लीजिए आप लोगों को अगर थोड़ी सी डिस्काउंट चाहिए तो आप लोग जो है कूपन कोड मेरा यूज कर सकते हो बुल्लू बाइकर्स, यू यूज करने से आपको थोड़ी सी डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वेल दोस्तों, अगर 6 तारीख और 7 तारीख को आप लोग गोवा में हो तो डेफिनेटली मिलते हैं इस टाइम पे। एंड और एक चीज़ आपको बता दूं कि मेरी जो बाइक है वो शायद मेरे ख्याल से बाइक एंड बाइकर की जो स्टोर है, स्टोर नंबर मुझे पता नहीं है, लेकिन जो टेंट के अंदर जो अंदर रहता है जो स्टोर वहाँ पे, सो मेरी बाइक जो है वहाँ पे डिस्प्ले पे लगी होगी एंड विथ फुल सिस्टम, मतलब जो लगेज वगैरह सबके साथ। तो अगर आप लोग मेरे बाइक के आसपास से कहीं गुजर रहे हो और आपकी बाइक दिख गया तो एक छोटी सी फोटो उठा के बस मुझे मैसेज कर दो इंस्टाग्राम पे या फिर टैग कर दीजिए, चलेगा। एंड डेफिनेटली हम लोग मिल भी रहे हैं तो वो है बात। सो मैं जो सोच रहा हूँ कि अभी जो है बाइक को लेके जाऊंगा और लेके जाके एक कुछ स्टिकरिंग कर लेंगे, सामने मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा YouTube की लोगो लगाऊंगा। सो फाइनली जो है हमारे बाइक पे जो YouTube की लोगो लग गया है, मतलब YouTube ब्लू बाइकर, बहुत सालों के बाद इनफैक्ट लगा है ये लोगो अपने बाइक पे। यूजली मैं अपने बाइक पे आजकल कोई स्टिकर विकर लगाता नहीं हूँ, तो यहाँ पे एक लोगो लग गया और यहाँ पे भी एक छोटी सी इंस्टाग्राम की लोगो लगा है। ये बेसिकली मेरे लिए है, मतलब कभी कभी कैमरा यहाँ आ जाएगा तो बस फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे। उसके बाद जो है मैं सोच रहा हूँ बाइक को लेके जाऊंगा हाईलैंडर। सो हाईलैंडर पे हम लोग क्या है बाइक की सर्विस करवाएंगे एंड उसके बाद जो है लगेज सेटअप करेंगे और उसके बाद फाइनली आपको दिखाएंगे कि बाइक कैसा दिख रहा है। सो फाइनली सारे के सारे जो काम है वो खत्म हो चुका है, बाइक में स्टिकरिंग हो चुका है, सर्विस हो चुका है एंड बॉक्सेस भी लग चुका है। बॉक्सेस लगाने के बाद जो है बाइक कुछ इस तरह से दिख रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है जो टॉप बॉक्स है उसकी जो प्लेट होता है वो प्लेट एक्चुअली आया नहीं था, तो अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ। मे बी आज फिर से मैं लेके जाऊंगा बाइक और उसके बाद वो टॉप प्लेट लगाऊंगा, लगाने के बाद वो टॉप बॉक्स लग सकता है। सो नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि बाइक में क्या क्या सामान लगा है एंड कैसा दिख रहा है फाइनली, मतलब सब कुछ लगने के बाद दिन में कैसा दिख रहा है। सो वो वाला नेक्स्ट वीडियो रहेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट इट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना चाहिए, बिकॉज गोवा जाएंगे उसके बाद बहुत सारे बड़े बड़े ट्रिप्स आने वाले हैं। सो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। सो चीयर्स एंड Have a great day. Take care, guys.